मुताबिक तो खालिस्तान मूवमेंट के लोग ज्यादातर कनाडा, इंग्लैंड और इधर उधर हैं। इस मूवमेंट में कोई दोबारा जान पड़ने की कोई पॉसिबिलिटी, कोई चांसेस है ना कि फिर इधर कोई जोर आवे खालिस्तान मूवमेंट? देखो, मैं एक दिन पहला भी ये गल कही सी, जो सिख माइंड है ना, ये जो सिख है सुभा के तौर पर जहाँ तो बादशाह, तो जहाँ बादशाह लड़दा बागी है, ये बेच नहीं है कुछ भी। मतलब हूँ साड़ी सिचुएशन जी है, मतलब हूँ बादशाह तो असं है नहीं पर बागी हैं, इस लड़ रहे हैं। तो जी ग्लोबल सिचुएशन है वो इस तरह की हैगी है, क्योंकि हूँ नवे प्रोस्पेक्टिव में ही देखना पड़ेगा सारी सिचुएशन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, पर ये बड़ी जिहड़ियां सेंसेबल बात है। तहरीकां कदी मरदियां नहीं हुंदियां, सिख दे माइंड चो कदी भी नहीं मरदी, क्योंकि इन्हां ने तुसीं देखो जे 1707-8 तो लै के ते 80-90 साल एक लगातार इन्हां दी जदोजहद रही, 1800 दे एक जां 1799 दे विच नहीं, भी। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट आपको मुकम्मल हुकूक दे, हाँ जी। आपकी मुकम्मल सेटिस्फेक्शन के मुताबिक, तो फिर भी आपका ख्याल है ये सुलगती रहेगी आग? देखो जी, जिन्नी देर तक जी डिसीजन मेकिंग है तुहाडे हाथ च नहीं ना आउंदी, उन्नी देर तक गल नहीं कदी बनदी। मतलब मनमोहन सिंह साहब को बनाना प्राइम मिनिस्टर, ये दिखावा समझते हैं आप कि इसमें कोई नीयत अच्छा देखो उनका? वो कोई एडा मैटर नहीं करता, मनमोहन सिंह तो एक सिख, मान लो एक्सीडेंटली ही जे सिख, पर वो एज उन्होंने ये तो नहीं है भी उन्होंने सिखा सिख करके बनाया। वो क्वालिटीज़ है, कोई शरीफ आदमी है, मतलब ईमानदार है, हर वो काबिल आदमी, काबल आदमी है, उन्होंने बनाता। कल हटा देंगे, अद्धा ही मिनट का भी नहीं काम है, वो बेचारा तो लोकसभा का मैंबर भी नहीं है, जो लोअर हाउस है उत्थे दा, ही इज नॉट द इलेक्टेड मैंबर, वो नॉमिनेटेड है, राज्यसभा जी अपर हाउस है वो आते हैं। नहीं, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से उनको सिख बरादरी के लिए बेहतरी की कोई उन्होंने की हो? देखो क्योंकि अब उनकी सेकंड टर्म है। क्या उनको को मतलब को तसल्ली हुई हो, हाँ एक तसली कुछ साइकोलॉजिकल? आई डोंट थिंक सो। नहीं, अच्छा, जेडे जेडे जेडी मतलब देखो ना, तुसी बहुत लंबा पिछे ना जाओ, पिछले 20-25 साल दे देख लो, भई दरबार साहब ते जेड़ा हमला होना है ये बड़ी एक सीरियस घटना है। बिल्कुल, जे तुसी दा टोटल देखो तो इस हमले की कोई लोड़ नहीं सी। लेट से भी जे उन्होंने हमला करना ही सीगा दरबार साहब ते, गोल्डन टेंपल थे। गोल्डन टेंपल ते, जो समझदे ठीक सी इत्थे कोई जेड़े लोग आ अनवांटेड है, जेड़े सरकार स्टेट नूं तंग कर रहे, ते उहदे नाल दी नाल 37 होर गुरद्वारियां ते जेड़ा हमला करना उहदा कोई तुक ये तो नहीं पाया। बिल्कुल। अच्छा, फिर तुसी लाओ भी 1984 दे विच ही इंदिरा गांधी दा कतल हुंदा, ते नजायज ही सारे, मतलब जेड़ी रिपोर्ट्स बहुत घट हैगियां, कल्ली दिल्ली दिल्ली दे विच ही 10-12 हज़ार सिख नूं, मतलब सारे इंडिया च तां खैर बहुत हैगियां, मतलब इत्थों तक भी जेड़े हिंदू पंजाबी बोलदे भी सीगे वो सिख समझ के उहनां ने, और बड़े क्रूअल तरीके नाल, मतलब बड़े क्रूअल तरीके हाँ, नाल। वो अपना वो टायर शायर आग जेड़ा लगा जेड़ा सरदार जी, आप गले में डाल कहना के चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे सिखों के खिलाफ जितनी वो एक सरकारी कत्ल करते हैं वो। सरकारी कत्लेआम से तुसी देखो ना, मतलब 31 तरीक रात नू, नहीं देखे नहीं, गोल्डन टेंपल पे हमला भी किसी प्राइवेट फौज ने तो नहीं किया था ना, वो सरकारी सरकारी सरकार ने बकायदा हुकूमती हमला था ना। जेडे तीन ही विंग है गवर्नमेंट दे फौज दे, एयरफोर्स, आर्मी ते नेवी, ये तो नहीं यूज हुए या और फुल फ्लैज जिदा का अटैक। नेवी नेवी कैसे? सरोवर सेगा ना जी, उन्होंने ये सेगा भी सरोवर दे विच दी भी जाने दी कोशिश की, उन्होंने ये सी भी जेड़ा अंदर सैंक्टम सेंटोरियम हैगा जेड़ी मुकद्दस जगह हैगी है भी ओदे विच छुपे हुए है। अच्छा, बाय द वे मैंने मैंने देखा हुआ है, मैंने आर्मी दी हुई है। सम नेवी पीपल दे ट्राई टू स्नीक इनटू दैट, पर देखो जेड़े उथे जिन्हां लोकां ने हिफाजत कीती है उन्हां दिनां च 2-3 दिन हिफाजत भी कीती है, उन्होंने मतलब दे फॉर टू द लास्ट बुलेट एंड ब्रेथ, वो कहते आ जाओ फिर तुम कोई